नमस्कार बच्चों, एक बहुत बढ़िया, आपने मुझे कहा था कि सब वर्ग पहेली हमको नहीं समझ में आती है और कई बार हमको लोग जादू की तरह से वर्ग पहेली पूछते हैं और हमसे भरी नहीं जाती। हम आपको चुटकी में सिखाते हैं, चुटकी में। देखिए, मैं आपको पहले एक पहेली बता रहा हूं जिसमें चार वर्ग हैं, यानी टोटल 16। उसके बाद तीन भी बताऊंगा, उसके बाद छह भी बताऊंगा, नौ भी बताऊंगा और ये चुटकियों में होंगे। अब इसमें इसमें जब भी हम वर्ग की बात करेंगे तो उसमें कुछ कंडीशंस होंगी। जैसे ये वाला जो वर्ग है हमारा, इसमें 22 से लेके और 99 तक हम कोई भी, आप सोचिए, यानी कि यदि मान लिया आप कोई भी संख्या सोचते हैं तो मैं इसमें हाथ के हाथ भर दूंगा मैक्सिमम 20 सेकंड में और हर एक का टोटल वही आएगा। तो आप बताइए रचित, क्या नंबर लिखना चाहते हैं? लिखिए यहां पर। सर मैं 47 चाहता हूं। ठीक है, ओके। अब देखिए, रचित ने कहा 47। अब देखिए 47 में जादू, ध्यान से देखिए। मैंने कोई रटाबा नहीं है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, मैंने यहां 54 भरा, यहां 18 भरा, यहां 36 भरा, यहां 72 भरा, उसके बाद मैंने कलर चेंज किया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपको मेरा ट्रिक समझ में आई क्या? मैंने यहां 9 भरा, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। क्या पूछा था आपने? 47। ओके, तो मैंने यहां पे 27 भरा, उसके बाद कौन सा ये खाली है, मैं यहां 28 लिख देता हूं, फिर कौन सा खाली है, 29 लिख देता हूं और यहां पे मैं 26 लिख देता हूं। क्या हर एक का टोटल आ रहा है? मैं चेक कर लेता हूं। 7, 12, 19 और 1, 20 और 47, ये बिल्कुल ठीक है। 38 और 9, 47, ये भी ठीक है। 9 और 10, 19, ये भी ठीक है। 12 और 26, 38 और 9, 47, ये भी ठीक है। 9 और 9, 18, 19, ये भी ठीक है। अब क्लोज कर लेते हैं। 7 और 6, 33 और 10, 43 और 8, 47, ये भी ठीक है। 27 और 8, 35, पैंतीस और 3, 38 और 47, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। ओके, हम एक और, आपको मजा आ रहा है बच्चों? यदि मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए। एक और मैं आपको करता हूं और फिर इसका ध्यान रखिए, इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा और आपको मजा आएगा। ठीक है, इनका 47 था, तुम्हारा क्या है नंबर? लिखिए आकर के। 38। ठीक है, देखो मजा 38 का। हमने यहां पे 44, 5 लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा, 18 लिखा, उसके बाद 36 लिखा, फिर 72 लिखा, नहीं तो मैं आपको समझाऊंगा भाई। यहां मैंने 9 लिखा, यहां मैंने 10 लिखा, यहां 11 लिखा, यहां 12 लिखा। क्या मांगा आपने? 38। तो मैंने यहां पे 18 लिख दिया, उसके बाद ये खाना खा लिया तो मैंने यहां पे 19 लिख दिया, उसके बाद ये वाला खाना नहीं खा लिया तो मैंने 20 लिख दिया और ये वाला खाना खा लिया तो मैंने 17 लिख दिया। तो डायरेक्टर साहब जरा चेक करिए कि सब ठीक है क्या? ठीक हो गया? नहीं सर, नहीं, नहीं हुआ। नहीं, कहां गलती हो गई? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मैंने जानबूझ के गलती की थी, इसको सही कर देता हूं ताकि आप कुछ पकड़ पाए। अब सही हो गया क्या? चेक करो। हाँ भाई, ठीक हो गया क्या? राइट हो गया। तो देखो, अब मैं चुटकी में आपको सिखाता हूं, चुटकी में, ध्यान से। लेकिन कागज पेन ले लिया, कागज पेन लिखिए, लिखिए नहीं तो भूल जाओगे। और अभी प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, उनसे मैं पूछता हूं कौन सा नंबर बनाऊं जी? नंबर आप बनाइए सर, 45, 45। 45, ओके। देखिए 45 का, यानी कि इसमें भी किधर से भी आप जोड़ेंगे तो आपको 45 आएगा। ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, जो हमारा गणित है, जो हमारी काउंटिंग है, उसका राजा क्या होता है बताइए? 9। आपको पता है तो क्या करना, सुनिए। सबसे पहले देखिए, ये 9 है, इस 9 को लिख कर रखिए अपने पास, दिमाग ये 9 से सॉल्व होगा। हमने इस सबसे पहले ये वाला कॉलम लेना है, लिखने हैं ताकि ये
9 हो जाए, तो क्या 549 हो गया 9। अब 9 का डबल कितना होता है 18। तो 1 यहां लिखिए और 8 यहां लिखिए, हो गया 18। और इसका टोटल भी 9 ही है, 18 का डबल कितना होता है 36। यहां लिखिए, देखिए इस तरह चलिए, यहां चले फिर यहां चले, ये भी 9 ही है, 36 का डबल 70। तो यहां तो हम हो नहीं सकते, तो ऊपर चले जाएंगे, तो 72 लिखा हमारा, एक पूरा हो गया, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अब दूसरा करिए, अब हमने फिर क्या किया कि फिर जो हमारा ये राजा है 9, जो हमारे मेथड में भगवान है, उसको फिर बुलाया कि प्रभु यहां पे आइए, वो आ गए 9, मैंने यहां पे लिखा 9 से अगला क्या है 10, मैंने यहां पे लिखा 11, उससे अगला क्या 11 मैंने यहां पे लिखा, और 12 मैंने यहां पे लिख दिया, ये हमारा दूसरा पूरा हो गया। अब 45 करना है, अब ये कितना बना सबसे ऊपर, ये बना 20, और ये 20 हमेशा बनेगा, 45 करना है तो 45 माने 20 कितना हुआ 25। अब मैं तीसरा कलर ले लेता हूं, तो मैंने 25 यहां पर लिखा, ठीक 25 से अगला क्या नंबर होता है 26। वो ये खाली है ना, यहां लिखा, उससे अगला नंबर क्या होता है 27। तो मैं 28 लिख दूं, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा, इससे छोटा क्या है सर, इससे छोटा 24 है, 24 यहां लिख दीजिए, आंसर रेडी। और एक और कर दूं, बढ़िया बड़ा सा बना दूं, चलिए बड़ा बना देता हूं एक और, लेकिन आप भी समझ नहीं आएगा यदि आप कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठेंगे। लीजिए मैं अपनी तरफ से लेता हूं 98, यन में 99 कुछ भी ले लो, हमने मान लिया तो बड़ा नंबर है, और आपकी पहली सेकंडों में। अब आप ये करके अपने घर पर अपनी जो मम्मी पापा आपके बैठे हैं उनको ये जादू दिखाइए। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, क्या राजा कौन होता है कलर का, सॉरी मैथमेटिक्स का 9, हमने 5 यहां पर लिखा, 4 यहां पर लिखा, 9 हो गया, 9 का डबल 18, 1 यहां लिखा, 8 यहां पर लिखा, 18 का डबल 36, 3 यहां लिखा, 6 यहां लिखा, 36 का डबल 72, एक स्टेप पूरा कंप्लीटेड। नेक्स्ट, अब हमने 9 भगवान जी को राजा को दोबारा बुलाया, हमने 9 लिखा, ये जो कॉलम खाली देखे जो तिरछे चल रहे हम 10, फिर तिरछा चले 11, उसके बाद चले 12, हमारा पूरा हो गया। अब ये जितना भी आपका है, यदि आप चाहें तो मैं एक स्टेप आगे बता रहा हूं कि ये जो हमारा बना है इसमें जितना बैलेंस है वो हम यहां डाल सकते हैं, जैसे ये 20 है और ये 98 और 20 घटाएंगे तो कितना होगा 78 होगा, हमने 78 यहां लिख दिया। अब मान लिया हमने, अब ये है, ये कितना है हमारा 78 हो गया। अब हम यहां पे आ गए तो ये हमारा कितना है, ये हमारा है 9 और 6 15 और 4 19 है, तो यहां क्या आएगा 79 आएगा, एक बढ़ के। लेकिन अगर आप इस तरह करते तो आपको जादू नहीं होगा, 79 आ गया। उसके बाद हमने यहां पे फिर करा 15 3 18, तो यहां पे क्या आएगा 80 आएगा, ठीक है। फिर आपने यहां पे किया तो यहां पे आपका 77 आएगा, लेकिन हमें क्या करना है, फटाफट करना है, तो 78 79 80, ये जो कॉलम खाली रहा 78 का छोटा है 77, हमारा पूरा बड़ा हो गया, ठीक है ठीक है। तो अब ये मैंने आपको बता दिया है, मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कीजिए। इस तरह की मैं 6 वीडियो आपको बनाऊंगा अलग अलग वर्ग की, इसको आप पहले समझें और फिर अपने यहां दिखाएं और मजे लें। थैंक यू वेरी मच।